हेलो एवरीवन, आज हम लोग महाद्वीप और महासागर के बारे में जानेंगे और मैं इसके बारे में भी आपको बताऊंगी। तो विश्व में कुल 7 महाद्वीप हैं। नंबर 1 जो है वह एशिया है। आप यहां सामने मैप देख सकते हैं एशिया का। इंग्लिश में एशिया की स्पेलिंग ASIA है, एशिया। सेकेंड नंबर पर जो महाद्वीप आता है वह आता है अफ्रीका। इसे भी आप यहाँ मैप में देख सकते हैं। अफ्रीका जो है इसकी स्पेलिंग है इंग्लिश में AFRICA। नेक्स्ट जो महाद्वीप है वह है उत्तरी अमेरिका। यह अमेरिका का जो नॉर्थ भाग है, जो उत्तरी भाग है, उस भाग में है वह भाग है, इसलिए इसे उत्तरी अमेरिका कहा जाता है और इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग हो जाती है NORTHAMERICA, नॉर्थ अमेरिका। नेक्स्ट जो है वह है दक्षिणी अमेरिका। आप इसे भी मैप में देख सकते हैं। दक्षिणी अमेरिका अमेरिका के दक्षिण में है। दक्षिणी भाग जो है अमेरिका का, उसे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप कहा जाता है और इंग्लिश में इसे कहा जाता है साउथ अमेरिका। इसकी स्पेलिंग है SOUTHAMERICA, साउथ अमेरिका। नेक्स्ट जो है वह है अंटार्कटिका। अंटार्कटिका को भी आप यहाँ मैप में देख सकते हैं, कितना खूबसूरत ये डक की तरह लग रहा है। अंटार्कटिका को इंग्लिश में जो है अंटार्कटिका ही कहते हैं और इसकी इंग्लिश स्पेलिंग हो जाती है ANTARCTICA। नेक्स्ट जो हमारा है वह है यूरोप। यूरोप महाद्वीप जो है वह बहुत ही बड़ा महाद्वीप है और इंग्लिश में इसे यूरोप ही कहते हैं। इंग्लिश में इसकी स्पेलिंग हो जाती है EUROPE, यूरोप। नेक्स्ट जो है हमारा वह महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। यह महाद्वीप जो है विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप है, तो ऑस्ट्रेलिया, इसे इंग्लिश में भी ऑस्ट्रेलिया ही कहते हैं और अंग्रेजी में इसकी स्पेलिंग हो जाती है AUSTRALIA। यह हो गया ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट जो है कुल विश्व में 5 महासागर हैं। पहला जो है प्रशांत महासागर है। यह दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर है। नेक्स्ट जो है वह अटलांटिक महासागर है। अटलांटिक महासागर और यह भी काफी बड़ा महासागर है। इसके बाद जो हमारा आता है नेक्स्ट, वह आता है हिंद महासागर। हिंद महासागर, इसे अंग्रेजी में इंडियन ओशन कहते हैं। यह महासागर भी काफी बड़ा है और इसके बाद में जो महासागर आता है वह आता है हमारा आर्कटिक महासागर। यह महासागर जो है विश्व का सबसे छोटा महासागर है। इस पर जो है यह बहुत ही ठंडा प्रदेश है, इसलिए यहाँ साल के अधिकतर महीने बर्फ ही जमे रहते हैं। और नेक्स्ट है अंटार्कटिक महासागर। यह भी बहुत ही ठंडा
महासागर है, इसलिए यहाँ भी अधिकतर ग्लेशियर पाए जाते हैं, बर्फ पाए जाते हैं। दोस्तों यह वीडियो आपको अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। आप लोग कमेंट बहुत कम करते हैं, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरी ऐसी ही आने वाली वीडियो को देखने के लिए, ताकि उसकी नोटिफिकेशन जो है आपको मिल सके। इसके लिए आप बेल आइकन को जो है प्रेस कर लीजिएगा। तो मैं ऐसी ही वीडियो बनाती हूँ, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।